हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस ग्रिड के अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स किस तरह हम लोग पता करेंगे, और मैं एक ट्रिक भी आपको बताने जा रहा हूँ जिसका यूज़ करके आप लोग नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता कर सकते हैं इस ग्रिड के अंदर और इस ग्रिड के अंदर भी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स के अंदर। फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस तरह से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर ले, 5 × 5 कॉलम्स हैं और 5 रॉज हैं, इसलिए 5 × 5 25 हो गया। 25 तक ठीक है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 25 तक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर 26 27, इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक का यूज़ करेंगे, वो फार्मूला मैं आपको दे देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को पता है कि ये नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स दोनों सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें है 5 और 5 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 5 − 1 का स्क्वायर निकालेंगे, एक रॉ और एक कॉलम को घटा देंगे, तो 5 − 1 का स्क्वायर, फिर 5 − 2 का स्क्वायर, फिर 5 − 3 का स्क्वायर, और लास्ट में 5 − 4 का स्क्वायर। इन सभी को ऐड कर देना है, इन सभी का सम का हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस ग्रिड। 5 का स्क्वायर 25, 5 − 1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, इन सभी का सम हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस ग्रिड। जोड़ते हैं 25 25 55 55, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस ग्रिड इज इक्वल टू 55, ठीक है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में रॉज और कॉलम्स दोनों इक्वल थे, इसीलिए इस फॉर्मूला से हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस ग्रिड पता कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर है ना, इस ग्रिड में नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं ये हम लोग कैसे पता करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। टोटल कॉलम्स हैं 4, ठीक है, और टोटल रॉज हैं 6। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 × 6 कर देंगे। 4 × 6 कितना होगा, 4 × 6 होता है 24, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 3 × 5 करेंगे, 3 × 5 = 15। नेक्स्ट स्टेप में 2 × 4, 2 × 4 = 8। नेक्स्ट स्टेप में 1 × 3, 1 × 3 = 3, और इन सभी का सम हो जाएगा 50। तो यही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस ग्रिड। तो फ्रेंड्स, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो आप लोग इस फॉर्मूला से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस ग्रिड निकाल सकते हैं। और अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, रॉज और कॉलम्स डिफर करेंगे, नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग होंगे, तो आप लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस ग्रिड, ठीक है। फ्रेंड्स, इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, इसी ट्रिक का यूज़ करके पता लगा के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोज़, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।